ने बड़ी मेहनत से अपनी गृहस्थी सवारी है। फिजूल खर्ची की तो उन्हें आदत ही नहीं है, इसीलिए जब वो निर्लेप का सेट खरीद कर लाए तो बस्ती वाले देख देख रहे। गीता आ गई। गीता ये क्या लाई है? कुछ नहीं लाया। अरे गीता, तुम तो साड़ियाँ खरीदने गई थी, ये क्या उठा लाई? साड़ी में क्या रखा है चाची? मैं तो द्रौपदी की थाली ले आई हूँ। द्रौपदी की थाली? निर्लेप? हाँ, निर्लेप ही है द्रौपदी की थाली। पता है, ये तो तीज त्योहार के इस्तेमाल की चीज है, इसमें सिर्फ डोसा बनता है। नहीं नहीं, इसमें कई चीजें स्वादिष्ट बनती है, ये तो रोज के काम की चीज है। अब ये देखो, रबड़ी पैन। रबड़ी के अलावा रोज की चाय भी बढ़िया बनती है, क्योंकि निर्लेप में मलाई बर्तन से चिपकती नहीं, दूध में ही रहती है। ये तो हमें मालूम ही नहीं था। निर्लेप ही खरीदना चाहिए। और ये कढ़ाई, जरा से तेल में सब्जी बन जाती है। 3 लीटर की जगह अगर 1 लीटर तेल में महीना निकल जाए तो सोचो कितने रुपए बचेंगे। कम से कम एक साड़ी तो आएगी, और धोना भी कितना आसान। अरे कोटिंग निकलने तक ही इसके नखरे। ये कोई ऐरा गहरा थोड़ी है, ये निर्लेप है, एक्स्ट्रा टेफ्लॉन के साथ, ज्यादा मजबूत, ज्यादा चलने वाला। मुझे तो मालूम था, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। इसीलिए तो मैं कहती हूँ निर्लेप है द्रौपदी की थाली। समझे ना चाची, मैं गीता को ही क्यों कहता हूँ घर की लक्ष्मी। और निर्लेप मेरी सखी। खाना बनता जाए, बचत बढ़ती जाए, अब निर्लेप में ही बनाइए सभी खाना रोजाना। अशोक और गीता ने बड़ी मेहनत से अपनी गृहस्थी सवारी है, फिजूल खर्ची की तो उन्हें आदत ही नहीं है, इसीलिए जब वो निर्लेप का सेट खरीद कर लाए तो बस्ती वाले देख देख रहे हैं। गीता आ गई। गीता ये क्या लाई है? कुछ नहीं लाया। अरे गीता, तुम तो साड़ियाँ खरीदने गई थी, ये क्या उठा लाई? साड़ी में क्या रखा है चाची? मैं तो द्रौपदी की थाली ले आई हूँ। द्रौपदी की थाली? निर्लेप? हाँ, निर्लेप ही है द्रौपदी की थाली। पता है, ये तो तीज त्योहार के इस्तेमाल की चीज है, इसमें सिर्फ डोसा बनता है। नहीं नहीं, इसमें कई चीजें स्वादिष्ट बनती है, ये तो रोज के काम की चीज है। अब ये देखो, रबड़ी पैन। रबड़ी के अलावा रोज की चाय भी बढ़िया बनती है, क्योंकि निर्लेप में मलाई बर्तन से चिपकती नहीं, दूध में ही रहती है। ये तो हमें मालूम ही नहीं था। निर्लेप ही खरीदना चाहिए। और ये कढ़ाई, जरा से तेल में सब्जी बन जाती है, 3 लीटर की जगह अगर 1 लीटर तेल में महीना निकल जाए तो सोचो कितने रुपए बचेंगे। कम से कम एक साड़ी तो आएगी, और धोना भी कितना आसान। अरे कोटिंग निकलने तक ही इसके नखरे। ये कोई ऐरा गहरा थोड़ी है, ये निर्लेप है, एक्स्ट्रा टेफ्लॉन के साथ, ज्यादा मजबूत, ज्यादा चलने वाला। मुझे तो मालूम था, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। इसीलिए तो मैं कहती हूँ निर्लेप है द्रौपदी की थाली। समझे ना चाची, मैं गीता को ही क्यों कहता हूँ घर की लक्ष्मी। और निर्लेप मेरी सखी। खाना बनता जाए, बचत बढ़ती जाए, अब निर्लेप में ही बनाइए सभी खाना रोजाना।